अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, बुतका खजाना के तीसरी कसत में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे वक्त की अहमियत पर और कुछ मशहूर उर्दू ज़र्बुल अम्सालों के बारे में जो हमें वक्त की कदर और उसके सही इस्तेमाल के बारे में सिखाती हैं। पहला ज़र्बुल मिसल है, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। इसका मतलब है कि वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता। हमें वक्त की कदर करनी चाहिए और इसे जाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार जो वक्त गुजर गया वो दोबारा नहीं आता। अगर आपने इम्तिहान की तैयारी नहीं की और वक्त जाया किया तो बाद में आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। दूसरा ज़र्बुल मिसल है, वक्त पर एक टांका नौ का काम कर देता है। A stitch in time saves nine. इसका मतलब ये है कि अगर हम बरोकत कोई काम करें तो हमें बाद में बड़ी मुश्किल से बचाया जा सकता है। छोटी मुश्किल को वक्त पर हल करना बड़े मसले को रोक सकता है। अगर आपने गाड़ी का छोटा सा मसला फौरन हल कर लिया तो बाद में बड़ी खराबी से बचा जा सकता है। तीसरा ज़र्बुल मिसल है, वक्त सबसे बड़ा मरहम है। टाइम इज अ बिग हीलर। इसका मतलब है कि वक्त के साथ साथ हमारे दुख और दर्द कम हो जाते हैं। वक्त हर जख्म को भर देता है, बस हमें सब्र करना चाहिए। मिसाल, जब आपको किसी अजीज की जुदाई का सदमा हो तो वक्त के साथ साथ ये दर्द कम होता जाता है। चौथा ज़र्बुल मिसल है, वक्त वक्त का राग अच्छा होता है। An appropriate action at the right time and right place is appreciated. इसका मतलब ये है कि वक्त और मौका की मुनासिबत से किया गया काम बेहतरीन होता है। सही वक्त पर सही फैसला लेना बहुत अहम है। अगर आपने कारोबार का आगाज सही वक्त पर किया तो आपको ज्यादा फायदा होगा। पांचवा ज़र्बुल मिसल है, वक्त पड़ने पर गिधे को बाप बनाते हैं। In the hour of need, fools are praised and respected. इसका मतलब है कि जरूरत के वक्त हर शख्स को अहमियत दी जाती है, चाहे वो कितना ही नालायक क्यों ना हो। जरूरत के वक्त हर कोई काम आ सकता है। अगर आपको किसी मुश्किल में मदद की जरूरत हो तो आप किसी भी शख्स की मदद को कबूल करेंगे, चाहे वो आम तौर पर नालायक ही क्यों ना हो। छोटा ज़र्बुल मिसल है, देर आए दर्स्त आए, बेटर लेट देन नेवर। इसका मतलब ये है कि अगरचे कोई काम देर से हो, लेकिन अगर वो सही हो जाए तो बेहतर है। देर से सही काम करना गलत वक्त पर गलत काम करने से बेहतर है। अगर आपने देर से तालीम हासिल की मगर आखिरकार आपने अपनी तालीम मुकम्मल की तो ये बेहतर है। सातवां ज़र्बुल मिसल है, आज का काम कल पर मत छोड़ो। डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। इसका मतलब यह है कि जो काम आप आज कर सकते हैं उसे कल पर ना छोड़ें। वक्त की अहमियत को समझें और हर काम वक्त पर करें। अगर आपको आज की होमवर्क करना है तो उसे कल पर ना छोड़ें, वरना आप मुश्किलात में पड़ सकते हैं। आठवां ज़र्बुल मिसल है, वक्त का कोई मोल नहीं। टाइम हैज नो प्राइस। इसका मतलब यह है कि वक्त की कोई कीमत नहीं होती, उसे खरीदा नहीं जा सकता। हमें वक्त की कदर करनी चाहिए। पैसे जाया होने पर दोबारा कमा सकते हैं, मगर वक्त गुजरने पर वापस नहीं ला सकते। नवा ज़र्बुल मिसल है, वक्त सबसे बड़ा उस्ताद है। टाइम इज द ग्रेटेस्ट टीचर। इसका मतलब है कि वक्त हमें सबसे ज्यादा सिखाता है। वक्त के साथ साथ हमें जिंदगी के अहम सबक मिलते हैं। जिंदगी के तजर्बात हमें वक्त के साथ साथ बहुत कुछ सिखाते हैं जो किसी किताब से नहीं सीखा जा सकता। दसवां ज़र्बुल मिसल है, वक्त की तलवार तेज है। टाइम्स सॉर्ड इज शार्प। इसका मतलब है कि वक्त की ताकत बहुत ज्यादा है और वो बड़ी तब्दीलियां ला सकता है। वक्त की अहमियत को समझें और इसका सही इस्तेमाल करें।
अगर आप वक्त का सही ही इस्तेमाल करें तो आपकी जिंदगी में बड़ी मिस्बत तब्दीलियां आ सकती हैं। 11वां जरबुल मिसल है, वक्त का दरिया किसी के लिए नहीं रुकता। द रिवर ऑफ टाइम डज नॉट स्टॉप फॉर एनीवन। वक्त का पहिया कभी नहीं रुकता। द व्हील ऑफ टाइम नेवर स्टॉप्स। इसका मतलब है कि वक्त हमेशा आगे बढ़ता रहता है और किसी के लिए नहीं रुकता। हमें वक्त के साथ साथ चलना चाहिए। अगर हमने वक्त का सही इस्तेमाल ना किया तो हम पीछे रह जाएंगे, क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। दोस्तों, ये थे हमारे आज के कुछ मशहूर उर्दू ज़र्बुल अम्साल जो वक्त की अहमियत पर रोशनी डालते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई वीडियो की इत्तला मिल सके। अल्लाह हाफिज।